राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार बाकी जैसे माता पार्वती और माता लक्ष्मी को लाल चुनरी और सिंदूर चढ़ाई जाती है, क्या उसी प्रकार माता सरस्वती को भी चढ़ाई जाती है? नहीं, हम लोग माता, देखिए माता सरस्वती को भी हम लोग लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं जी, हमें उन्हें थोड़ी ना कि कोई अलग प्रकार की। हाँ, पुष्पों में अलग अलग बातें होती है कि उनको ये पुष्प पसंद है, वो पुष्प पसंद है, पर सरस्वती माँ के आगे चुनरी चढ़ाने से ज़्यादा महत्व है दीपक जलाने का जी। आप सरस्वती माँ को चुनरी क्यों चढ़ाना चाहते, वो आपकी अपनी विचारधारा रही होगी, पर माँ के आगे घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए जी। और घी के दीपक में भी आटे का दीपक अगर आप बना के जलाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ स्टूडेंट लाइफ है ना जी, तो आप अभी विद्यार्थी जीवन में हैं, तो विद्यार्थी जीवन में अगर आप माँ सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ सरस्वती के आगे ये मंत्र बोल के आपको नित्य जाना चाहिए, सरस्वती मया दृष्टाम वीणा पुस्तक धारणीम हंस वाहनी समायुक्ताम विद्यादान करो भी हम। और माँ सरस्वती के आगे आटे का दीपक बनाकर, घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करनी चाहिए और उनसे विद्या का वर मांगना चाहिए, तो इससे माँ प्रसन्न होंगी। ठीक है जी, राधे राधे।